हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट विंडो एसीज के बारे में जिनको आप खरीद सकते हो 2023 के अंदर। दोस्तों, जितने भी एसी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो सारे के सारे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं और उन सभी की आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी मिलने वाली है आपको। तो ऐसे में अगर आप कोई अच्छा विंडो एसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर एसी भी बताऊंगा और नॉन इन्वर्टर एसीज भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने उन एसीज को शॉर्टलिस्ट किया है जो परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन एसीज के बारे में जिनको मैंने अपनी 2023 विंडो एसी की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोज आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेस्ट विंडो एसीज की शुरुआत करते हैं इंडियन ब्रांड से ही। सबसे पहले आपको बताता हूं वोल्टास का एसी। दोस्तों, वोल्टास का अगर आप कोई एसी लेना चाहते हो तो वोल्टास 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर विंडो एसी ले सकते हो, 2022 का मॉडल। वैसे तो वोल्टास के पास बहुत बड़ी रेंज है विंडो एसीज में, लेकिन ये पर्टिकुलर मॉडल मैंने शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इस एसी में आपको मिलेगा वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर, जिसको आप दो स्टेप्स में एडजस्ट भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एडजस्टेबल कूलिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा इस एसी के अंदर, यानी कि आप रिमोट पर बटन प्रेस करके इसकी टनेज को कम कर सकते हो। और इस एसी की एम्बियंट वर्किंग है 50 डिग्री सेल्सियस। इस एसी के दोनों कॉइल्स 100% कॉपर के मिलेंगे आपको। इसकी आइशर वैल्यू की अगर बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक 5-स्टार रेटेड एसी है, तो इसकी आइशर वैल्यू है 3.51। लेकिन मैंने पहले बताया कि ये 2022 का मॉडल है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 5.3 से ऊपर वाले जितने भी विंडो एसी आपको मिलेंगे वो सभी के सभी दिसंबर 2024 तक 5-स्टार रेटिंग में ही बने रहेंगे। तो ये एसी 5-स्टार रेटिंग का 2022 में भी था और 23 में भी है और 24 में भी रहेगा। और इसकी कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 100% कूलिंग कैपेसिटी है इस मॉडल की, 5050 वॉट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मीडियम साइज का रूम है, 120 स्क्वायर फीट से 140 स्क्वायर फीट तक का कोई रूम है, तो आप इस एसी को लगा सकते हो, बहुत अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी। इस एसी में आपको मिलता है डस्ट फिल्टर, कोई एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको इस एसी में नहीं मिलने वाला। सेल्फ डायग्नोसिस का सपोर्ट आपको जरूर मिल जाएगा। R32 गैस यूज करते हैं वोल्टास वाले अपने इस मॉडल के अंदर। वारंटी की अगर बात करें तो 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव है और 10 ईयर्स की इनके कंप्रेसर के ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इन्वर्टर विंडो एसी है, तो इसीलिए आपको कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है और वो है पीसीबी वारंटी यहां पर वोल्टास वाले नहीं दे रहे हैं। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस 33,300 के अराउंड ये अमेजोन के ऊपर कॉस्ट कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब क्या प्राइस है इस एसी का, उसको जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस मॉडल का करंट प्राइस जान सकते हो। अब बात करते हैं एक और इंडियन ब्रांड की, लॉयड। लॉयड के भी बहुत विंडो एसी बिकते हैं इंडिया के अंदर। लॉयड का ये मॉडल आपको सजेस्ट कर रहा हूं, 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग का विंडो एसी 2022 का मॉडल। ये मॉडल आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे मॉडल आते हैं लॉयड के, लेकिन ये मॉडल इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये एक 5-स्टार मॉडल है और नॉन इन्वर्टर टाइप में आता है, यानी कि आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी और पावर सेविंग का बेनिफिट भी मिलेगा। इस एसी में आपको मिलेगा फिक्स स्पीड पर चलने वाला रोटरी कंप्रेसर, जिसकी एम्बियंट वर्किंग रहेगी 48 डिग्री सेल्सियस। यहां पर दोनों कॉइल्स आपको 100% कॉपर के मिलेंगे और जो वैपोरेटर कॉइल रहेगा उसके फिन्स के ऊपर ब्लू कोटिंग मिलेगी। इसकी आइशर वैल्यू की अगर बात करें तो आइशर वैल्यू है 3.57। 5-स्टार रेटिंग का ये एसी है, 2022 का मॉडल, और दिसंबर 2024 तक भी ये 5-स्टार रेटिंग में ही बना रहेगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4950 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब ये है कि इस एसी को आप 120 से 135 स्क्वायर फीट के रूम में यूज कर सकते हो, आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी। इस एसी में आपको डस्ट फिल्टर मिलेगा, सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलेगा और R32 गैस मिलेगी, और इसी के साथ आपको मिलेगा फिल्टर क्लीन इंडिकेटर।
दोस्तों इसकी वारंटी की अगर बात करें तो 1 ईयर की वारंटी है कॉम्प्रिहेंसिव और 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी इसके कंप्रेसर के ऊपर। जैसे कि ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के ऊपर 5 साल की वारंटी ही मिलती है, आप सब जानते हो, और इसमें कोई पीसीबी वारंटी का चक्कर नहीं है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 33,700 के अराउंड अमेजोन के ऊपर। करंट प्राइस क्या चल रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले एसी की, और वो भी एक इंडियन ब्रांड है, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर विंडो एसी, 2022 का मॉडल और 2023 का मॉडल। दो मॉडल आपको सजेस्ट कर रहा हूं ब्लू स्टार के, एक मॉडल 2022 का है और एक 2023 का है। दोनों की स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स बिल्कुल सेम है, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन फर्क है पैसों में। तो पहले इसकी डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा क्या कीमत है इन दोनों मॉडल्स की। ब्लू स्टार के इन दोनों एसीज के अंदर आपको वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा, जिसकी एम्बियंट वर्किंग रहेगी 52 डिग्री सेल्सियस। हाई एम्बियंट के ऊपर भी इसका कंप्रेसर काम करता रहेगा। उसके बाद बात करें कॉइल्स की, तो दोनों मॉडल्स की जो कॉइल्स हैं वो 100% कॉपर की मिलेंगी आपको, और फिन्स के ऊपर एंटी कोरोसिव कोटिंग भी मिलेगी। उसके बाद बात करें अब इसकी पावर एफिशिएंसी की, तो ये दोनों मॉडल 5 स्टार रेटिंग के हैं। 2022 वाला जो मॉडल है उसकी आइशर वैल्यू है 3.58 और जो 2023 का मॉडल है उसकी आइशर वैल्यू है 3.59। सिर्फ 0.01 का ही फर्क है, तो ऐसे में आप इनमें से कोई भी मॉडल ले लीजिए, बिजली का जो खपत है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद इसकी कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम है दोनों मॉडल्स की, 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है इन दोनों मॉडल्स की, यानी कि मीडियम साइज के रूम में आप इसको लगा सकते हो, बहुत अच्छी कूलिंग आपको ये देगा। 120 से 140 स्क्वायर फीट तक का कोई भी रूम अगर आपका है तो आप उसमें इसको लगा लो, अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी। अब बात करें एडिशनल फीचर्स की, तो ब्लू स्टार के इन दोनों मॉडल्स में आपको मिलेगा स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस, जी हाँ दोस्तों, और वर्किंग वोल्टेज रेंज रहेगी 140 से 280 वोल्ट के बीच में। बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाएं एसी के साथ, ताकि उसको प्रॉपर वोल्टेज इनपुट मिले, ताकि आपका कूलिंग एक्सपीरियंस खराब ना हो। और अच्छे वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम आपको मिलेगा और R32 गैस मिलेगी दोनों ही मॉडल्स के अंदर। ब्लू स्टार के ये दोनों मॉडल्स 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आते हैं और 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ आते हैं। अब यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं अचंभित सा रह गया कि इन्वर्टर एसी है बट स्टिल 5 साल की वारंटी दे रहा है ब्लू स्टार, बट क्या करें 5 साल की दे रहा है। तो ऐसे में आप इन मॉडल्स को अगर खरीदेंगे तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आपको कंप्रेसर वारंटी मैटर करती है तो आप इस मॉडल को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ब्लू स्टार के ये दोनों मॉडल परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। उसके बाद प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों मॉडल्स के अंदर। जो 2022 का मॉडल है वो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 38,500 का कॉस्ट कर रहा है अमेजोन के ऊपर, जबकि 2023 का जो मॉडल है वो 40,900 रुपए के आसपास कॉस्ट कर रहा है अमेजोन के ऊपर। दोस्तों यहां पर लगभग 2500 रुपए का फर्क है इन दोनों मॉडल्स के अंदर, जबकि इनकी आइशर वैल्यू और बाकी डिटेल्स बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में हमें सस्ते वाला ही मॉडल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए ना, हम लेटेस्ट मॉडल लेके क्या करेंगे जब उसमें कुछ खास है ही नहीं जिसके लिए हमें ये सेटिस्फेक्शन हो कि हमने नया मॉडल लिया है। सारी चीजें तो सेम है, तो हमें फिर 2500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च करने, इतने में हम एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हुई बात ब्लू स्टार के एसीज की, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों मॉडल्स के, आपको जो भी मॉडल अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एलजी के एसी की। दोस्तों विंडो एसीज की अगर बात हो रही हो तो एलजी के एसी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एलजी के विंडो एसीज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे हैं, बिजली का बिल काफी कम आता है उन लोगों का जो एलजी के विंडो एसी यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। तो ऐसे में एलजी के भी आपको मैं दो मॉडल सजेस्ट कर रहा हूं, 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के ड्यूल इन्वर्टर विंडो एसी। इसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ये दोनों मॉडल मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं और इनमें क्या फर्क है ये भी बताया है, बट ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो में भी कर देता हूं। तो एलजी के ये दोनों मॉडल हैं, एक है 22 का मॉडल है और एक है 23 का मॉडल। जो 22 का मॉडल है वो वाईफाई वाला है, जो 23 का मॉडल है वो बिना वाईफाई वाला है, जबकि 22 का मॉडल आपको सस्ता मिल जाएगा, 23 का मॉडल महंगा मिलेगा। लेकिन वो महंगा क्यों है उसकी बात अब कर लेते हैं। दोस्तों एलजी के जो ये एसी हैं इनके अंदर आपको वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाला ड्यूल इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर मिलेगा,
जिसकी एम्बियंट वर्किंग है 52 डिग्री सेल्सियस। और खासियत यह है कि आप इसकी कूलिंग को 4 स्टेप्स में एडजस्ट कर सकते हो। 4-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग के साथ आता है LG का ये AC, 2022 का मॉडल भी और 23 का मॉडल भी। लेकिन यहां पर एक्सपेंडेबल कूलिंग का फीचर नहीं है, सिर्फ टनेज को आप कम ही कर सकते हो, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन तो है उसकी कूलिंग को कम करने का। और LG के ACs में लगी हुई कॉइल्स की अगर बात करें तो 100% कॉपर की कॉइल्स आपको मिलेंगी, और जो फिन्स रहेंगी और कॉइल्स के सी बैंड रहेंगे उनके ऊपर ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, यानी कि ब्लैक कलर की एक कोटिंग की हुई है जिससे कॉइल्स लंबे समय तक एंटी कोरोसिव बनी रहती हैं। अब करते हैं पावर एफिशिएंसी की बात। तो LG का जो मॉडल है 2022 का, उसकी आयशर वैल्यू है 3.50, और जो 23 का मॉडल है उसकी आयशर वैल्यू है 3.68। तो यहां पर फर्क है आयशर वैल्यू में थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो लेटेस्ट मॉडल है वो थोड़ा सा महंगा भी है। प्राइस में कितना डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल इसके बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो यहां पर कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम रखी गई है, 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी आपको दोनों ही मॉडल्स में, यानी कि मीडियम साइज के रूम में आप इस AC को यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको यहां पर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको। उसके बाद लो गैस डिटेक्शन मिल जाता है, सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिल जाता है, और जो 22 का मॉडल है उसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, आप अपने मोबाइल से उसको ऑपरेट कर सकते हो, वॉइस कमांड कर सकते हो। तो ऐसे में ये तमाम फीचर्स आपको इन मॉडल्स में मिलेंगे। और LG के इन दोनों ही ACs में आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिल जाता है, HD फिल्टर के साथ आते हैं ये दोनों ही मॉडल्स, और इन दोनों मॉडल्स में मिलती है R32 गैस। वारंटी की यहां पर बात करें तो 1 ईयर की कॉम्प्रीहेंसिव, 10 ईयर्स की इनके कंप्रेसर के ऊपर, और बहुत अच्छी बात यह है कि PCB वारंटी भी आपको मिलती है 5 साल की। तो LG का AC अगर आप खरीदते हो इन दोनों में से कोई भी, तो आपको PCB वारंटी भी मिल रही है 5 साल की, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग, और कोई ब्रांड शायद ही ऑफर कर रहा है विंडो AC में। अब बात करते हैं इनके प्राइस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22 और 23 के मॉडल में प्राइस में भी फर्क है, क्योंकि इनकी आयशर वैल्यू में फर्क है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो 22 का मॉडल है वो सस्ता है और उसमें वाईफाई का भी फीचर है, 23 का मॉडल महंगा है और उसमें वाईफाई का फीचर नहीं है। LG के 2022 वाले विंडो AC का प्राइस 38,900 रुपये के आसपास है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो 2023 वाला मॉडल है उसका प्राइस 42,700 रुपये के अराउंड है Amazon के ऊपर। हो सकता है कि ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो करंट प्राइस जानने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके इन मॉडल्स के करंट प्राइस जान सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।